देश में कोरोना की दूसरी लहर के कुछ थमने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में ICMR ने भारत में COVID-19 की तीसरी लहर की संभावना पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो यह दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। हालांकि टीकाकरण में तेजी से बढ़ोतरी न सिर्फ कोरोना बल्कि भविष्य में किसी अन्य लहर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उत्तर प्रदेश में रूस की वैक्सीन पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोविशील्ड के अलावा शनिवार से स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगनी शुरू होगी। हालांकि पहले दिन के सभी स्लॉट तेजी से भर गए हैं। रूस की वैक्सीन आने से अब यूपी वालों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। भारत सरकार ने हाल ही में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों का पता लगाना है, गहरे समंदर में काम करने की तकनीक विकसित करना, ब्लू इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा देना होगा। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए अहम परियोजना मानी जा रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद जारी है। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास टकराव वाली जगहों से फौजों की वापसी के बाद अब दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। भारत और चीन दोनों ही पक्षों ने इस बात पर रजामंदी जताई कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर जो मुद्दे अनसुलझे हैं जल्द ही उनका समाधान खोजा जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत होने का पहला मामला सामने आया है। रत्नागिरी में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संक्रमण के कारण मौत हो गई है। इस बीच सरकार ने शुक्रवार को पूरे महाराष्ट्र में लेवल 3 मानदंडों को लागू करने के साथ ही सख्त प्रतिबंध के संकेत दिए हैं।